अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.puntunkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फैमिली फोटो फ्रेम। संडे का दिन था और गट्टू चिंकी आज पापा के फोन से खेल रहे थे। पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तुम कब से गेम खेल रही हो चिंकी? लाओ अब मेरी चांस है। रुको ना गट्टू, बस 5 मिनट और, बस मैं नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने ही वाली हूँ। तभी मम्मी बालकनी से आती है। उनके हाथ में कुछ सुंदर से फ्लावर्स थे। देखो जरा मैं कैसी लग रही हूँ। मम्मी ने बालकनी में लगे हुए प्यारे से फूल अपने बालों में लगा रखे थे। वाओ मम्मी, आप तो बहुत सुंदर लग रही है। हाँ मम्मी, आप बहुत प्यारी लग रही है। ओ आइडिया, मम्मी ऐसे ही खड़ी रहना, मैं पापा के फोन से आपकी एक पिक्चर क्लिक करता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, अब तुम्हारी मम्मी इतनी प्यारी लग रही है, उनकी एक फोटो तो बनती है। ठीक है गट्टू, चलो मैं पोज करती हूँ। गट्टू मम्मी की अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। ओ रुको रुको, मैं भी मम्मी के साथ पिक्चर क्लिक करवाऊंगी। फिर चिंकी भी जाके मम्मी के साथ खड़ी हो जाती है। मुझे भी एक फूल दो ना। हाँ हाँ ये लो चिंकी। मम्मी चिंकी के बालों में भी एक छोटा सा फूल लगा देती है। फिर चिंकी और मम्मी साथ में पोज करने लगते हैं। ओहो क्या बात है, दोनों क्या पोज कर रहे हो, वाह। अरे देखो कितनी अच्छी पिक्चर्स आई है। अरे हाँ गट्टू सही कहा, फोटोज तो सच में बहुत अच्छी आ रही है। जब इतनी अच्छी फोटोज आ रही है तो एक काम करते हैं, चलो साथ में एक फैमिली फोटो लेते हैं। हाँ ये तो बढ़िया आइडिया है, चलो आ जाओ सब साथ में फैमिली फोटो लेते हैं। रुको रुको, मैं कैमरा सामने टेबल पे रख के टाइमर लगा देता हूँ। सब लोग बोलो चीज चीज। देखिए ना कितनी अच्छी फैमिली फोटो आई है। हाँ कितनी प्यारी फोटो आई है ये तो। मम्मी पापा गट्टू, मेरे पास एक और आइडिया है, क्यों ना हम इस फैमिली फोटो को फ्रेम करा ले और फिर घर में किसी बढ़िया सी जगह पे लगा देंगे। हाँ हाँ चिंकी, मेरे मन में भी यही बात आ रही थी, चलो ऐसा ही करते हैं। आज मेरी छुट्टी है तो मैं शाम को जाके ये फोटो फ्रेम करवा ले आऊंगा। गट्टू चिंकी तब तक तुम दोनों मिलकर ये डिसाइड कर लो कि फ्रेम कहाँ लगाएंगे। ओके मम्मी। फिर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। चिंकी इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, फ्रेम तो ड्राइंग रूम में ही बेस्ट लगेगा। अरे अरे ऐसे कैसे बेस्ट है, मम्मी ने हम दोनों से कहा है कि जगह डिसाइड करे, तो फिर तुम अकेले कैसे बोल सकते हो कि कौन सी जगह बेस्ट है। ओहो तो तुम बताओ तुम्हें कौन सी जगह पसंद है। मुझे लगता है कि फ्रेम हमारे रूम में लगना चाहिए, देखो वहाँ जगह भी खाली है। अरे कैसी बात कर रही हो चिंकी तुम, हमारे रूम में फ्रेम लगाने का क्या फायदा, वो फैमिली फोटो फ्रेम है, कोई मेरी तुम्हारी पिक्चर थोड़ी ना है। नहीं पर मुझे ड्राइंग रूम में फोटो फ्रेम नहीं लगाना। और मुझे हमारे रूम में नहीं लगाना। फ्रेम कहाँ लगेगा इस बात पे गट्टू और चिंकी आपस में झगड़ पड़ते हैं। अरे 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 ये क्या हो रहा है बच्चों, इतनी सी बात पे लड़ रहे हो। अरे प्यार से मिलकर डिसाइड करो ना कि क्या करना है, इसमें झगड़ा कैसा। गट्टू और चिंकी एक दूसरे से मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। तब पापा कहते हैं, देखो बच्चों अब मैं जा रहा हूँ फोटो फ्रेम बनवाने के लिए, जब तक मैं वापस आता हूँ तुम दोनों जगह डिसाइड करके रखना। ओके ओके पापा। बहुत देर हो गई और पापा फोटो फ्रेम लेकर वापस आ जाते हैं। आओ सब लोग चलो मिलकर देखते हैं कि फोटो फ्रेम कैसा बना है। फिर पापा फोटो फ्रेम को बॉक्स से निकालकर टेबल पर रखते हैं। वाह कितनी सुंदर लग रही है हमारी फैमिली पिक्चर। हाँ सही कहा, तो बताओ गट्टू चिंकी क्या डिसाइड किया तुम दोनों ने, कहाँ लगानी है ये फ्रेम। अरे ये आप क्या पूछ रहे हैं, इन्होंने अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया है, ये तो तब से लड़ ही रहे हैं। अरे मैंने कहा था ना कि जब तक मैं आऊँ तब तक डिसाइड करके रखना, अब बताओ क्या करना है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है पापा, आप ही कुछ बताइए। देखो ये फोटो खींचने की शुरुआत तुम्हारी मम्मी ने की थी, तो एक काम करते हैं ये फोटो फ्रेम कहाँ लगाना है ये तुम्हारी मम्मी ही बताएंगी। हाँ पापा ये बेस्ट रहेगा, मम्मी आप ही डिसाइड करिए कि फ्रेम कहाँ लगेगा। सबकी बात सुनकर मम्मी सोच में पड़ जाती है। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो इस फोटो फ्रेम को घर के एंट्रेंस लॉबी में लगा दो, जैसे ही कोई गेट से अंदर आएगा उसकी नजर सबसे पहले इस प्यारी सी फैमिली फोटो फ्रेम पे जाएगी। वाह मम्मी क्या आइडिया है,
हाँ मम्मी, मैं भी आपके साथ हूँ। ये आइडिया पहले मुझे क्यों नहीं आया? अरे चिंकी, मुझे भी तो नहीं आया ना। इसीलिए तो मम्मी घर की बॉस है बच्चों। हाँ हाँ, थैंक यू बच्चों। चलिए फिर जल्दी से ये फोटो फ्रेम लगाते हैं। मैं नेल्स और हैमर लेकर आती हूँ। फिर मम्मी सारा सामान लेकर आती है और पापा को दे देती है। चिंकी भागकर जाती है और एक डस्टिंग का कपड़ा ले आती है। क्या हुआ चिंकी, ये डस्टिंग का कपड़ा लेकर क्यों आई हो? मम्मी, मैं फ्रेम लगाने के बाद उसे इस कपड़े से अच्छे से साफ कर दूंगी और डेली मैं ही उसकी सफाई करूंगी। ओहो, वेरी गुड चिंकी। बच्चों पीछे हट जाओ, मैं फ्रेम को वॉल पे लगाने जा रहा हूँ। देखो किसी को कहीं चोट ना लग जाए। ओके पापा। फिर पापा फ्रेम को वॉल पे लगा देते हैं। सच में ये फ्रेम इस जगह पे सबसे बढ़िया लग रहा है। हाँ मम्मी, आपका आइडिया बेस्ट था। बच्चों, तुम्हारी मम्मी ही बेस्ट है। फिर सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। ऐसे ही गट्टू चिंकी के घर में नई फोटो फ्रेम लग जाती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।